हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 के बारे में। तो इसका हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। जैसे कि आंसर की आने से पहले सभी स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स बता रहे थे, लेकिन आंसर की आने के बाद सबके मार्क्स पहले से कम हो गए हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आंसर की आने से पहले सभी स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स बता रहे थे, लेकिन आंसर की आने के बाद सबके मार्क्स पहले से कम हो गए हैं। और आपका एग्जाम कब हुआ था तो देख लेते हैं। आपका एग्जाम 6, 7, 8 नवंबर को कराया गया था। तो नवंबर में आपका एग्जाम कराया गया था। तो टोटल पोस्ट देख लेते हैं, टोटल पोस्ट कितनी थी, 5,000 इसके लिए टोटल पोस्ट थी। और आपका जो एग्जाम हुआ था तो 2 घंटे का आपका पेपर था, 2 आवर का आपका पेपर था। एंड इसमें निगेटिव मार्किंग भी थी। फिजिकल के लिए 5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो देखिए, 5 गुना स्टूडेंट बुलाए जाएंगे तो 25,000 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो 25,000 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो अब इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं पहले। जनरल के लिए आपके 50+ मार्क्स होने चाहिए। यदि आपके 50+ मार्क्स बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और जो भी मैं कट ऑफ बताऊंगी वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, और 2-4 मार्क्स का भी आगे पीछे हो सकता है। हम ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका देख लेते हैं, तो ओबीसी के लिए 48+ मार्क्स होने चाहिए। एससी की बात कर लेते हैं, एससी कैटेगरी के लिए 45+ मार्क्स है, तब आपको फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। हम एसटी की बात कर लेते हैं, एसटी के लिए देखते हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 43, यदि आपके 43 मार्क्स बन रहे हैं तो फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, और फीमेल के लिए बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आप हैं तो आपके 45+ मार्क्स होने चाहिए। और गर्ल्स की बात कर लेते हैं, गर्ल्स में यदि आप देख ली फीमेल के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए, फीमेल में है आप, जनरल कैटेगरी में है तो आपके 40+ मार्क्स होने चाहिए। ये जनरल के लिए। फीमेल में एससी एसटी के लिए बात कर लेते हैं, यदि आप फीमेल हैं और आपकी एससी एसटी कैटेगरी है तो आपके 35+ मार्क्स होने चाहिए। जितना मैंने मार्क्स बताया है इससे 2-3 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है, और इससे कम भी हो सकता है। तो आपके यदि मार्क्स इतने बन रहे हैं जो भी मैंने आपको कट ऑफ बताया है, तो आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। रिजल्ट आने में भी टाइम नहीं लगेगा, और रिजल्ट के बाद आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, इसके बाद फिजिकल होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।